राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल, केम छो, मजा में छो, की हाल है जी? दसो केड़ी चालू गई। इस चैनल में आपका स्वागत है, बने रहें। बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, बनाता हूँ तो शॉर्ट बनाता हूँ, तो उसे भी प्लीज़ शॉर्ट को शॉर्ट ना किया करें, पूरा देख लिया करें भाई, प्लीज़ शॉर्ट को भी शॉर्ट कर देते हो आप लोग। और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बने रहें मेरे साथ में, दिल से राधे श्याम सीताराम। आज मैं ये खास बात बताने वाला हूँ कि जो वीडियो है ये मैंने एडिटिंग की है आगे की, और लास्ट में जो है मैं ऐड करूँगा अपनी वीडियो। बाकी जो बीच की वीडियो है वो मैडम की है, मतलब शालू गुप्ता की है। और वीडियो बनाने वाले जो हमारे फोटोग्राफर वीडियोग्राफर जो है हमारे, वो हैं हमारी एंजल गुप्ता मिलियन से। तो इन्होंने अपनी मम्मी के साथ मिलके वीडियो बनाई थी, ये कैमरा पकड़ी थी, इन्होंने हेल्प की थी, हेल्पर थी, ठीक है। और बाकी हमारी श्रेया ने कुछ नहीं कहा, वो आराम से सो रही थी शांति से। तो मैडम ने पूरी वीडियो बनाई, मैं एडिटिंग कर रहा हूँ बस अपनी वीडियो को, इसको, ठीक है। तो मैं एडिटर हूँ केडी जी, ठीक है। और एंड में भी मैं अपनी मतलब वीडियो एड कर रहा हूँ, मतलब खुद जो बोल रहा हूँ, और लास्ट में तो बाद में ऐड किए मैंने, ठीक है जी। वीडियो को प्यार दीजिएगा, सम्मान दीजिएगा, आज की आप भाभी आपकी बता रही हैं कुछ, ठीक है जी। अब बने रहें केडी शालू के चैनल में, जल्दी जल्दी लाइक कर दो यार, भूल जाते हो। हेलो गाइस, मैं हूँ केडी जी शालू और मैं आपको वेज बिरयानी बनाना बताती हूँ। तो वेज बिरयानी के लिए क्या करेंगे कि चावल है ये, इनको 20-25 मिनट के लिए भिगो दो, जो मैंने भिगो दिए थे। और अब मैंने इसका पानी निकाल दिया है, और उसके लिए दो टमाटर, मटर, टमाटर मटर और ये है पनीर, ये है 150 ग्राम पनीर, 100 ग्राम से ऊपर मतलब 150 ग्राम, ठीक है। और एक ऑनियन कट करूँगी मैं भी, और दो तीन ये हरी मिर्ची बस, ठीक है। और एक ये डालेंगे हम आलू, आलू भी डालेंगे। तो ये सब वेज बिरयानी के लिए होगा। और उसके बाद फिर इसे, अभी मैं इसे कट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर बनाना दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं, ओके। तो चलो हम बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। एक कुकर रख लिया, और इसमें अब हम पहले सबसे पहले देसी घी देंगे, ठीक है, जिसमें हम पहले थोड़ा सा देसी घी, ये हो गया हमारा, देसी घी देना है, थोड़ा सा इसमें पनीर हम लोग भूनेंगे। पनीर भुनेंगे इस देसी घी में, देखिए ये देखिए, ठीक है। इसमें पनीर भुनेगा पहले, और यहाँ मैंने टमाटर दो बड़े, और ये प्याज और हरी मिर्च, पनीर, मटर, आलू और ये चावल, ये सब कुछ कट कर लिया, ठीक है। ये सब डलेगा इसमें और हम लोग बनाना शुरू कर रहे हैं, बनना शुरू हो रहा है। तो पहले ना हम सबसे पहले ना पनीर को फ्राई करेंगे, फिर बाद में प्याज और हरी मिर्च को भरेंगे। ये घी हो गया, बहुत है, पनीर अच्छे से भुनी जाएगा। हल्का लाइट ब्राउन, ज़्यादा वैसा नहीं करना, हल्का लाइट, और भून के इसको कर। पनीर दिखाओ, ये पनीर है जो इसे हमने रोस्ट कर लिया। हम लोग क्या करेंगे कि ना जीरा डालेंगे सबसे पहले, उसके बाद हमने हरी मिर्ची और ऑनियन ये दोनों डालना है,
पनीर को निकालने के बाद में को भी ब्राउन कलर का हमें करना पड़ेगा, हल्का ब्राउन का। ये करने के बाद हमने दो तीन डाल देंगे काली, ये लौंग, मेरे पास वो तेज पत्ता वगैरह नहीं है तो मैं ऐसे ही डाल दूँगी लौंग और ये काली मिर्च पिसी हुई, क्योंकि लौंग है, काली मिर्च मेरी पिसी हुई है और साबुत नहीं है तो मैं ऐसे ही डाल दूँगी। तो मैंने ये देखो ऐसे कर दिया पनीर को निकालने के बाद। तो ये हो रहा है हल्का ब्राउन, उसके बाद डालेंगे हम टमाटर, लाए हल्का ब्राउन होने का टमाटर मसाले वगैरह डाल के, और ये मटर और ये आलू डाल के इसको एक सीटी लगा लेंगे। पनीर नहीं डालेंगे, पनीर डालेंगे बनने के बाद, जब पुलाव बन जाएंगे तो ऊपर से पनीर डाल देंगे। तब तक हमें ये सब करना है, कुक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने पनीर पहले डाल दिया तो वो पूरा वैसा हो जाएगा, क्या कहते हैं उसे, उबला उबला टाइप का, तो इसलिए पनीर लास्ट में डालता है सबसे बाद में। तो अब उसके बाद हमने ये लाइट ब्राउन हो गई है तो हमने क्या करना है, टमाटर डालना है, ज़्यादा ना हो जाए देखिए, साथ से डालना है, ज़्यादा भी अच्छी नहीं लगती है मेरे हिसाब से डालो। ये सब करने के बाद हल्की सी लाल मिर्च, धनिया और ये हल्दी, हल्की सी डाली ज़्यादा नहीं, नमक थोड़ा, क्योंकि मटर और ये है जो आलू उसे बॉईल करने हैं, उबालना है मटर, तो उसमें थोड़ा नमक तो चाहिए। ये इसको कुक करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अगर पुलाव के साथ इसे डाला तो फिर पहले से करना होगा, नहीं तो वो गल सारे गल जाएंगे। तो पहले इसको हल्का सा कुक करना पड़ेगा। नमक डाल दिया मैंने, मसाले डाल दिए, देखिए नमक मसाले वगैरह डाल के मैंने कुक करने रख दिया है। थोड़ी सी ना इसमें हींग भी डाल देते हैं, हल्की सी, ज़्यादा नहीं पर थोड़ी सी, उसके बाद मोल के दी। उसके बाद हमें इसमें थोड़ा सा ना कुक करने के लिए पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सीटी आएगी। देखिए गाइस, मैंने इसको कुक कर लिया है आधा, ठीक है, क्योंकि अगर हम इसके साथ ही कुक करेंगे ना चावल के साथ तो ये फिर पुलाव नहीं बन पाएगा, इसलिए अब बाद में हम इसे में राइस डाल रहे हैं और उसके बाद इसे कुक कर पानी डाल के एक सीटी लगा लेंगे, बस बाद में हम पनीर डाल देंगे, फिर आपको दिखाते हैं बनने के बाद इसे। देखिए गाइस, वेज बिरयानी बन चुकी है, जैसे कि मैंने बताया था कि पनीर बाद में ही डालना है, तो मैंने अभी ये पनीर अभी डाला है, तो इसको कुक मतलब ढक्कन लगा दिया था, बंद कर दिया था, जिससे कि वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए, ये फाइनली इसका लुक आया है बनने के बाद। इधर दिखाइए बेटा, इधर करिए, देखिए। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी भाभी जी की, शालू जी की जो वीडियो बनाई, जो गलती हुई उसे माफ़ करना, कैमरा इधर हमारे वीडियोग्राफर ने किया था ऊपर नीचे, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक कर दें, प्लीज़ जल्दी से जो नए हैं सब्सक्राइब कर दें चैनल को, शेयर कर दें इस रेसिपी को, ओके, बने रहें के डी शालू के इस प्लॉस में। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाना मत भूलना। कल मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में, की वॉचिंग।